सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए लाल बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से मिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। जब आप मैथमेटिक्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें इस तरह का कुछ नंबर आएगा जिसको आपको ऐड करने के लिए दिया जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मिक्स नंबर्स क्या होते हैं। नंबर जैसे 2 एक नंबर है, 2.5 एक नंबर है ना, इस तरीके से नंबर है। तो ये तो डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन अगर इस तरीके से हो 2, 1/2, ये भी ढाई है, यानी कि 2.5 = 2, 1/2 है ना। बट क्या है, ये मिक्स्ड फॉर्म में है। इस तरह की फॉर्म को हम कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। तो आज हम जानेंगे कि अगर कोई मिक्स्ड फॉर्म में नंबर दिया गया हो तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड कैसा है और उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम एक ट्रिक के अंदर, और ये जानेंगे कि वो ट्रिक एक्चुअली कॉन्वेंशनल मेथड से कैसे जुड़ा हुआ है और किस तरीके से आसान है। हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ट्रिक है लेकिन उसके पीछे ज्यादा जरूरी है कि हम उसके बेस को समझें। तो बेस के साथ हम ट्रिक को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कॉन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की। तो मेरे पास क्वेश्चन है 3 1/2 + 4 4/5 9 1/3। मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसे नंबर्स को खोलते कैसे हैं। 3 1/2 इसको इस तरीके से खोलते हैं, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 2, इसको ऊपर जब हम करेंगे तो 2 × 3, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये रिमाइंडर है, ये ऐड होगा, यानी कि +1। अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से हुआ, जैसे ऐसे है 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 × 3 = 6, तो बच गया 1। तो ये डिवाइजर जो है वो बन जाता है डिनोमिनेटर, ये जो 3 है वो ये वाला हिस्सा बन जाता है और 1 जो है वो रिमाइंडर, ये कोशेंट है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें 3 1/2 के अंदर तो 2 डिवाइजर है एक्चुअली में, 3 कोशेंट है और 1 रिमाइंडर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको किस तरीके से हम खोल खोल के सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो 3 1/2 है, अगर हम इसको देखेंगे तो 2 नीचे आएगा, 3 × 7 = 7/2 प्लस, इसको हम देखें तो 5 नीचे आएगा, 5 × 4 = 20 + 4 = 24, और अगर हम इसको ऐड करें 9 नीचे 3 आएगा, 9 × 27 + 1 = 28 है ना। अब इसको सॉल्व करने का आपको तरीका पता ही है। सबसे पहले नीचे के एलसीएम ले लेंगे, 253 एलसीएम लेने का तरीका आपको पता होगा, ये सारे अलग अलग नंबर है 253, इसको प्राइम नंबर से हम निकालते हैं, तो अगर इसको हम निकालेंगे 2 1 5 3 जाएगा नहीं, अब 5 से जाएगा 5 1 1 3 और 3 से जाएगा 1 1 1, तो 2 5 3 = 15 × 30 एलसीएम आएगा, और जो 30 एलसीएम आया तो अब इसको इस तरीके से करेंगे 7 × 15, यानी कि 2 15 = 30, तो 7 × 15 + 5 6 = 30, यानी कि 24 × 6 + 10 = 2 28 × 10, ओके। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 5 आएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप पता होगा कितना आएगा, देखते हैं 15 × 7, 7 × 5 = 35, 3 = 105, यानी कि मैं बिल्कुल पूरे प्योर तरीके से कॉन्वेंशनल तरीके से कर रहा हूं। 24 × 6 को अगर हम करेंगे तो कैसे होगा, 24 × 6, मल्टीप्लीकेशन की भी ट्रिक्स है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स नहीं पता तो आप कैसे करेंगे, 6 × 24 = 2, 6 × 12 + 1 = 14, 1 = 4, 4 ये तो 10 है, डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं, 2 80/30, ठीक है। अब देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 5 4 9 9, नीचे तो 30 रहेगा, फिर 4 8 4 12 12 का 2, ऊपर क्या 8 4 5 529/30। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 529 को अगर 30 से सॉल्व करें, डिवाइड करें तो 3 30 22 9 3 7 = 21, यानी कि 19 बच गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कट करने के बाद आएगा, देखिए डिवाइजर नीचे 30 17 इधर और रिमाइंडर ऊपर, देखिए यहां आ गया, 30 नीचे चला गया और 17 आ गया, यानी कि ये हमारा
फाइनल आंसर है, इसका सॉल्यूशन है, इसको ऐड करने के बाद आंसर ये आएगा। ये था हमारा कॉन्वेंशनल मेथड। अब हम देखते हैं कि अगर इसको हम ट्रिक में ब्रेक डाउन करें, पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि ट्रिक आई कैसे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी को अब हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपने देखा होगा काफी सारी कैलकुलेशन करी मैंने, अब इधर देखते हैं क्या उतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो साइड वाले जो नंबर है ना इनको मैं अलग जोड़ूंगा और ये वाले जो नंबर है इनको मैं अलग जोड़ूंगा, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा। कैसे, इसको मैं जोड़ रहा हूं 3 ये वाला नंबर प्लस 4 ये वाला नंबर प्लस 9 ये वाला नंबर, ठीक है। अब इसको एक साथ जोड़ूंगा फिर ऐड करूंगा उसके लिए ये 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/3। अगर मैं इसको जोड़ू कितना होगा, 9 4 13 प्लस 3 16 प्लस, अगर मैं इसको देखूं तो इसका भी एलसीएम फिर से आएगा 30, 15 डायरेक्ट 6 6 4 24 प्लस 10, अगर मैं इसको देखूं 16 प्लस, अब इसको जोड़िए 5 4 9 9 और 2 3 4 49 अपॉन 30। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 16 प्लस, अगर इसको मैं डिवाइड करूं डायरेक्ट तो 1 बाहर आएगा और 19 ऊपर जाएगा और 30, यानी कि अगर उसको डिवाइड में डिवाइड करके दिखाता हूं, अगर 49 को 30 से करूं 30 बन जा 30 19 बच जाएगा, तो देखिए 30 नीचे है, 1 क्वेश्चन इधर है और 19 रिमाइंडर ऊपर है। अब इसको अगर मैं जोड़ू तो 17 प्लस 1 17 19 बाय 30। अब आप इस आंसर को इसके साथ मैच करिए, दोनों आंसर सेम है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें मैंने कितनी मेहनत करी और इस काम को करने में इसमें मैंने बहुत कम मेहनत करी और सेम आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे हुआ कैसे, है ना, मिक्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, ठीक है। ये लग रहा होगा कि ये तो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, मतलब ये कुछ अलग ही ट्रिक है, इसके अंदर हम ऐसे से जोड़ रहे हैं, कोई ट्रिक है। एक्चुअली में ऐसे कोई ट्रिक है ही नहीं, ये एक्चुअली में ये भी सेम है, ये भी सेम है। हमें कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि ये मिक्स्ड में दिया हुआ है। आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ और बताता हूँ कि कैसे कोई ट्रिक नहीं है। हमें लग रहा है ये ट्रिक है लेकिन ये ट्रिक है नहीं। इसी तरीके से सारी ट्रिक्स है, हमें लगता है वो ट्रिक है लेकिन एक्चुअली में वो एक मेथड का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है ना। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है, यही है, मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ऐसे 2.5 रुपए, 2.50, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ 3.5 रुपए, ठीक है, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ 1.75 रुपए, ऐसे, ठीक है। बात तो वही है, जब जैसे ये है 50 का मतलब क्या होता है 1/2, 50 और 75 का मतलब क्या हुआ 3/4, ये तो उसका मतलब हुआ है ना। अगर इसको मैं मिक्स्ड में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 1/2 प्लस 3 1/2 और प्लस इसको लिखूंगा 1 3/4, ऐसे लिखूंगा। देखिए ऐसे ही फंक्शन बन जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के, अब इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता कि 50-50 पैसे वालों को अलग जोड़ दो और रुपए को अलग जोड़ दो, यानी कि अगर जैसे 2 रुपए 5 रुपए और 2 3 5 और 6 6 रुपए अलग हो गए और 50-50 पैसा 1 रुपए और 1.5 ये जोड़ दो कितना हो गया 1 रुपए 75 पैसे प्लस 1 रुपए 75 पैसे, अगर इसको मैं जोड़ू 7 रुपए 75 पैसे, हो नहीं गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में किस तरीके से जो साइड की चीजें हैं, यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग जोड़ू और इसको अलग अलग जोड़ू, एक्चुअली में ट्रिक नहीं है, ये तो बात वही है। यहाँ पे कंफ्यूजन किस लिए आ रही है, ड्यू टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे कि घबराना नहीं है आपको, ये अलग जोड़ के इसको अलग जोड़ के अगर आप सॉल्व करें तो आपको बड़ी आसानी से, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना हो, आसान ट्रिक्स के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब यहाँ पे है कि आपको लेबर कम करना पड़ेगा। आपने देखा था यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे को कितनी सारी टेबल्स करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, लेकिन अब कुछ नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के एडिशन में तो आप अपना काफी समय बचा सकते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी ट्रिक्स और उसका ब्रेक डाउन करेंगे हम कि वो किस तरीके से आया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।